قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رسول الله وعلى آله وصحبه مواله أما بعد. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी का मौका है कि आज यहाँ पर हम एक अहम तरीन मकसद के तहत जमा हुए हैं, और वो मकसद कोई हमारा दुनियावी मकसद नहीं है, या फिर खेल कूद या तमाशा या फिर कोई और दुनियावी मसरूफियत नहीं है, बल्कि आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं उसका एक बहुत अजीम तरीन मकसद है। वो अजीम तरीन मकसद यकीनन हर कस व नाकस को नसीब नहीं होता है, बल्कि उसे ही नसीब होता है जिसके हक़ में अल्लाह ताला खैर और भलाई का इरादा फरमाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप यकीनन उन खुशनसीब अफराद में से एक है जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के काम के लिए चुना है, इल्म के लिए चुना है, और यही हमारा मकसद अज़ीम है, यही हमारा अहम तरीन हदफ है जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका उस्ताद, मुदर्रिस, मुअल्लिम, टीचर, ताबीरात अलग अलग हो सकते हैं, मुरब्बी, जो आप चाहे कह सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद है और मेरे वालिद का नाम हाफिज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई वो शहर हैदराबाद ही में हुई, और यहीं की मेरी पैदाइश भी है, और शहर हैदराबाद में काफ़ी तगोदो, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। लगभग 9 साल की उम्र में मेरे वालिदैन और मेरे चाचाओं की रगबत, मेहनत और उनकी जस्तजू की वजह से इत्तेफाक़ से शहर हैदराबाद का जो कदीम मदरसा है, जो एक ज़माने में हर तरह की तालीम का और दीनी खिदमात का मरकूज़ और मतवज्जे रहा है, वो है माहद उलूमुल हदीस। माहद उलूमुल हदीस जो शहर हैदराबाद ही में वादी हदीस में वाक़े है, उस जगह मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। लगभग 94 से 98 तक का अरसा मेरा वहाँ पर इल्म में गुजरा, और वहाँ इब्तदाई क्लासेस से लेकर लगभग लगभग शायद 4 साल का मरहला, आलिमियत का साल शुरू होने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 4 साल गुजारने के बाद मेरी जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के लिए मंजूरी आ गई, और उस वक्त हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मदारिस थे, बल्कि अब भी है, उन हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस में उमराबाद का भी शुमार होता है। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद का भी शुमार होता है, बहुत बड़ा आलीशान और मनहज सलफ पर कायम वो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मदरसा कदीम और अहमियत के हामिल इसलिए है क्योंकि आज़ादी से पहले वो मदरसा कायम हुआ, बुनियाद पड़ी उसकी 1924 में, उस मदरसे की बुनियाद डाली गई। काका उमर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस मदरसे की बुनियाद डाली थी, और काफ़ी प्यारी मुखलिस नीयत से उन्होंने उस मदरसे की बुनियाद डाली, और उस मदरसे में हमा फिक्र के मनहज और तरीक़े और सोच के लोग आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मनहज और अकीदे पर उसकी बुनियाद खड़ी ही वो है खालिस अल्लाह ताला की तौहीद और मनहज सलफ़े सालिहीन की इत्तेबा और पैरवी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे 7 साल पढ़ने का मौका मिला। माहदुल हदीस में मैंने 4 साल पढ़े, 98 से लेके 98 तक, और उमराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 99 में दाखिला मिला, और लगभग 2005 तक वहाँ पर मैंने
तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा कि महमूल हदीस हो शहर हैदराबाद का मदरसा या फिर साउथ का मदरसा जामे दारुस्सलाम उमर आबाद हो, दोनों ही मदारिस में मैंने हमेशा पहली सीट हासिल की है। टॉप पोजीशन पे मैं रहा हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। फिर उसके बाद वालिदैन की मेहनत, दुआ और हमारे ख़ास तौर से चाचाओं की काफ़ी मेहनत और लगन और जस्तजू थी कि हमारे ख़ानदान में कोई एक ऐसा बच्चा निकले और एक ऐसा बेटा हो जो इस इल्म दीन की खिदमत करे और इस इल्म को बहुत आगे लेकर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो शरफ मुझे बख्शा, वो दीन की खिदमत का मुझे एक मौका अता किया और इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह फिर उमराबाद में जामे दारुस्सलाम उमराबाद में, चूँकि मेरी पहली सीट थी, फर्स्ट पोजिशन थी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जामे इस्लामिया मदीने के लिए मेरा इंतखाब अमल में आया और फिर वहाँ से उमराबाद से 2005 से मेरी तालीम बकालियरियस यूँ समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन तखस्सुस अकीदा और दावा और मुख्तलिफ दिगर उलूम जैसे मज़ाहिब फ़िक्री या तारीख और दिगर उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस स्पेशल कोर्स करने का मुझे मौका मिला जामिया इस्लामिया मदीना नबवी के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी 4 साल जो मैंने जो कुछ भी हासिल किया तखस्सुस तौहीद में या दावा में या तारीख में, काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से मैंने तालीम हासिल की और वहाँ पर भी मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से और सब की दुआओं से। और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर ऑफ द बैच रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही तआला जब मैं वहाँ से फारिग हो रहा था तो वहाँ के गवर्नर अमीर मदीना, जिसे हम चीफ मिनिस्टर आम जबान में कहते हैं, तो उनके हाथ से मुझे टॉपर ऑफ द बैच की सर्टिफिकेट भी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। फिर 2010 में मैं यहाँ पर हिंदुस्तान आया, हैदराबाद आया, जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, जहाँ पर मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। आगे की तालीम का भी ऑफ़र मुझे मिला था मैजिस्टर और डॉक्टरा के लिए और मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं थी कि मैं उसके लिए आगे बढ़ूँ, लेकिन वो होता यूँ है कि इंसान एक उम्र के मरहले में आकर पढ़ाई से कुछ उकता जाता है। तो मैं दीन इल्म से नहीं उकता गया था, लेकिन जो मरहला मेरा गुजरा वादी हदीस में 4 साल, उमराबाद में 7 साल और मदीने में लगभग 4 साल, तो ये काफ़ी मेरे लिए एक तवील अरसा था जिसमें अपनों से दूर रहकर मुझे ये क़ुरबानी देनी पड़ी, हौसले की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी और काफ़ी जिद्दोजहद और काफ़ी मेहनत और तैयब और काफ़ी थकान का मेरा ये काफ़ी तवील सफ़र रहा। तो इस वजह से मुझे आगे बढ़ने की जस्तजू नहीं हुई, लिहाजा मुझे पूछा भी गया था कि आपके लिए क्या बड़ी बात है कि आप मैजिस्टर के लिए अप्लाई करें और एमए और पीएचडी यहाँ से करके जाएं। तो मैंने कहा कि शेख अब मैं पढ़ाई से उकता चुका हूँ, दीन की खिदमत से नहीं, दीन की खिदमत तो मेरा शगफ है, मेरा शौक़ है, अब मैं यहाँ से इंशाल्लाह अपने शहर में जाकर जो इल्म मैंने हासिल किया है उस इल्म को मैं इंशाल्लाह दीगर अफराद तक अपनी ताकत के मुताबिक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में उमराबाद आया, उमराबाद सॉरी 2010 से मदीने से मैं यहाँ पर हैदराबाद आया और हैदराबाद आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कुछ मुहसिनों और मेरे बड़े भाई जो मेरे तायाजाद भाई हैं और मैं उनका चचाजाद भाई हूँ शेख हुसैन मदनी, मेरे बड़े तायाजाद भाई हैं और उनकी लगन से और दीगर मुहसिनों की लगन से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने कुलिया कायम किया था, कुलियत तौहीद व सुन्ना में हमने कुलिया कायम किया था 2010 में। और उस कुलिये में सिर्फ उन तलबा को लिया जाता था, दाखिला दिया जाता था जो पहले ही से आलिम है, जो पहले से ही आलिम है, फाजिल है, और सिर्फ उलमा के लिए ख़ास था कुलिया हुआ, क्योंकि एक तखस्सुस का कोर्स था वो, कोई मतलब यानी आम कोर्स नहीं था जिसके लिए सबको लिया जा सके, सबको दाखिला दिया जा सके। एक तो तालीम और तदरीस मुकम्मल टीचिंग जो थी अरबिक ज़बान में थी और अरबिक ज़बान में दर्स देना और दर्स हासिल करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन वो मौका मुझे मिला था अरबिक ज़बान में पढ़ाने का, टीचिंग अरबिक ज़बान में करने की
और जो तलबा थे वो भी ज़रूरी था उनके लिए कि अरबिक ज़बान से वाकिफ़ हों, अरबी ज़बान से वाकिफ़ हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुझे मौका मिला वहाँ पर दीन की खिदमत करने का और अकीदा और तौहीद के प्रचार करने का। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी काफ़ी मेहनत से काम किया और कई लोग मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उलमा शागिर्द बनकर निकले, उनमें से बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनी भी है, मेरे उन शागिर्दों में मदनी भी है और बाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में जज़ीरे तालीम भी है, तालीम हासिल कर रहे हैं। शेख साजिद उसैद नदवी जो इस माहद के ज़िम्मेदारान में से एक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं क्योंकि वो भी माशाल्लाह उस वक्त नए नए हैदराबाद को आए हुए थे और उस कुलिये में पढ़ने के लिए शेख ने भी तकदीम की थी, माशाल्लाह शेख ने भी तकदीम की थी पढ़ने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तक़वा में शेख को ज़िम्मेदारी लग गई, इमामत का मनसब मिल गया और वहाँ पर काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन और काफ़ी जस्तजू और काफ़ी मशक्क़त के साथ उन्होंने अपना एक मकाम बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब उलमा में से एक है। अल्लाह ताला उन्हें और माहद इब्न कसीर के सारे ज़िम्मेदारान को उनकी नेक नीयतों में कामयाबी अता फरमाएँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान काम है नहीं। लोग समझते हैं कि मदरसा बनाना और तलबा को जमा करना और दीन की खिदमत करना ये आसान काम है, समझते हैं कि मतलब लोग इसके लिए फ्री होंगे शायद, मतलब यानी ये काम कर रहे होंगे या फिर कहीं से उनको फंड आ रहा होगा या फिर तआवुन मिल रहा होगा तो कुछ बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए मदारिस बना रहे हैं और मदारिस में जमा होकर वो इल्म का ये काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी होती है, ये लोगों की गलतफहमी होती है। मदारिस के लिए काम करना और मदारिस बनाना और दीन की खिदमत करना और दीन का काम करना और फिर इस काम के लिए लोगों को जमा करना, ये हर किसी के बस में नहीं होता है, हर किसी के बस में नहीं होता, बहुत मुश्किल का काम होता है। इल्म हासिल करना बहुत मुश्किल का काम होता है, इल्म देना और उससे भी मुश्किल का काम होता है, इल्म के लिए अफराद को जमा करना, इल्म के लिए अफराद को जमा करना। ये माहद इब्ने कसीर यूँ समझिए मतलब यानी मुख्तलिफ अफराद की कोशिश का एक फल है, मुख्तलिफ अफराद की कोशिश का एक फल है। नाम भी काफ़ी प्यारा इंतखाब किया गया, माहद इब्ने कसीर का बहुत प्यारा नाम इंतखाब किया गया, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, जिस नाम से इस मदरसे का इंतखाब हुआ, ये मदरसे का जो नाम रखा गया, माहद का जो नाम रखा, माहद इंस्टीट्यूट को कहते हैं, इंस्टीट्यूट को कहते हैं, और हाफिज इब्ने कसीर के नाम से इस नाम का इंतखाब हुआ। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह बहुत उज़मा अजीम तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है, बहुत अजीम तरीन शख्सियात, और इत्तेफाक से इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने जितनी किताबें लिखी वो सारी ही किताबें उलमा के दरमियान मकबूल और मुतदावल रही हैं। तलब इल्म बिलखुसूस, तलब इल्म बिलखुसूस हर मदरसे में उलमा और तलबा तफसीर इब्ने कसीर से बेनियाज नहीं है, शायद ही कोई ऐसा मदरसा होगा, मदरसा हो और उसमें तफसीर इब्ने कसीर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, नामुमकिन है, नामुमकिन है कि कोई माहद हो, कोई मदरसा हो, कोई जामिया हो और उसमें हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर मौजूद ना हो, यह नामुमकिन सी बात है, ये नामुमकिन सी बात है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन से उन्होंने इल्म हासिल किया और काफ़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस दुनिया में मशहूर भी किया, और ये उन तलबा में से हैं जिनके उस्ताज का इल्म भी पहाड़ के मानिंद था, जिनके उस्ताज का इल्म पहाड़ की तरह था, यूँ समझिए मतलब यानी अल्लाह ताला ने उनके उस्ताज को यानी कि हाफिज इब्ने कसीर के उस्ताज को बहुत ज़्यादा इल्म था। जब शागिर्द के पास इतना इल्म है यानी कि हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो अंदाज़ा लगाइए कि मतलब उनके उस्ताज के पास कितना इल्म रहा होगा। ये तो हाफिज इब्ने कसीर के बहुत असातेज़ा हैं, बहुत असातेज़ा हैं, लेकिन सरे फहरिस्त इब्ने कसीर के असातेज़ा में जो आते हैं वो है शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, ये ऐसे नाम हैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया, हाफिज इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने क़य्यिम, हाफिज इब्ने रजब हम्बली, हाफिज इब्ने दकीक अल ईद, ऐसे नाम हैं कि मतलब यानी जिनके ज़रिए दीन को बे इंतहा फ़ायदा पहुँचा है, बहुत ज़्यादा।
चाहे आप तफसीर की खिदमात ले लो, चाहे आप फिक्र के खिदमात ले लो, चाहे आप कोई भी इल्म ले लो, कोई भी इल्म ले लो, कोई भी इल्म के अंदर इन अफराद का नाम ना आए, इन उलमा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। बिलखुसूस दो ऐसे उलमा हैं जिनके ज़रिए तौहीद पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया में फैली। ये तो इनसे पहले के उलमा ने भी काफ़ी काम किया, ऐसा मतलब नहीं कि मतलब उससे पहले का जो अरसा गुजरा 600 साल जो गुजरे उसमें तौहीद का काम नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा तौहीद का काम हुआ। उसूल की बुनियाद उसी दौर में पड़ी और उसी दौर में उलमा ने शोहरत हासिल की, एक मकाम हासिल किया। लेकिन लेकिन बिलखसूस अरब दुनिया में, यूँ कहिए आप, अरब दुनिया में जितनी मेहनत और जितना फ़ायदा और जितनी मेहनत शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया और इब्न कय्यिम की किताबों के ज़रिए हुई, वो किसी और के ज़रिए नहीं हुई, वो किसी और के ज़रिए नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इब्न तैमिया के ज़रिए और इब्न कय्यिम की किताबों के ज़रिए गल्फ के अंदर, अरब ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा तौहीद की मारिफत हुई, तौहीद की पहचान हुई, तौहीद का प्रचार हुआ, तौहीद का तआरुफ हुआ। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुलवहाब रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुलवहाब रहमतुल्लाहि अलैह जो मुजद्दिदीन में जिनका शुमार होता है, मुजद्दिदीन में जो शुमार होता है, और वो 300 साल पहले के आलिम दीन थे, मुजद्दिद दीन थे, और उन्होंने जिन किताबों के ज़रिए सऊदीया के अंदर तौहीद को आम किया, शिर्क का कलाकमा किया और बिदअतों को उखाड़ फेंका और दिगर और अहम तरीन कामों को उन्होंने अंजाम दिया, वो उसका नतीजा क्या था, मतलब यानी ये कहाँ से उन्होंने ये चीज़ पाई थी, वो थी इब्ने तैमिया की किताबें, वो थी इब्ने तैमिया की किताबें, इब्ने कय्यिम की किताबें। उसी का नतीजा था कि तौहीद सऊदीया में फैली और वहाँ के लोगों ने तौहीद को परखा और शिर्क के ख़तरे को जाना, काफ़ी मतलब यानी मेहनत से काम किया, काफ़ी मेहनत से काम किया। तो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि का शुमार भी इब्न तैमिया के शागिर्दों में होता है, और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने भी हर फन में काम किया, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो तारीख़ हो, चाहे वो अकीदा हो, चाहे वो हदीस की खिदमात हो या फिर सीरत की बात हो, हर फन में उनकी कोई ना कोई किताब पाई जाती है। जैसे तफसीर में, तफसीर में कसीर मशहूर किताब है उनकी, और तारीख़ में अलबिदाया व निहाया काफ़ी मशहूर किताब है हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि की, और सीरत में क़िससुल अंबिया काफ़ी मशहूर किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ अंबिया के क़िस्से हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखे हैं, और भी इनकी दिगर किताबें हैं। तो इस हाफिज़ और इस इमाम के नाम के साथ इस माहद का नाम पड़ा, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला जितनी तरक्की और जितना नाम, जितनी शोहरत, जितनी मकबूलियत अल्लाह ताला ने हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि को इस दुनिया में अता की है, अल्लाह ताला उतनी ही शोहरत या फिर उसकी कुछ शोहरत इस माहद इमाम इब्न कसीर को भी अता कर दे, इस माहद इमाम इब्न कसीर को भी अता कर दे। यकीनन एक नेक मकसद के तहत इस माहद की बुनियाद डाली गई और इस माहद के जिम्मेदारान ने काफ़ी अच्छी नीयत के साथ इस इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया और काफ़ी नौजवान इसके कायम करने में भी एक अहम तरीन रोल रखते हैं, और नौजवानों के अंदर ये जज्बा हो, ये शगफ हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो उम्र रसीदा हो या फिर उम्र रसीदा में मर्द हो या ख़वातीन हो या फिर बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, कितने ऐसा तबका है जो मतलब यानी दीन की अहमियत नहीं उनके पास, दीन की अहमियत नहीं उनके पास, वो समझते हैं कि बस मैंने, हमने अल्लाह ताला का नाम ज़बान पर ला लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, बस हमने इस्लाम और मुसलमान होने का हक़ अदा कर दिया। ये उनकी नादानी है, ये उनकी नादानी है, और दीन की आज़मत हकीकत में ऐसे लोगों के दिलों में होती भी नहीं है, दीन की आज़मत और बड़ाई ऐसे अफराद के दिलों में होती भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी है ज़िम्मेदारान के लिए, चाहे वो शेख साजिद उसैद नदवी
हफिज़हुल्लाह हो या फिर वो सलमान भाई हो जो एसपीजीसी के फाउंडर और जिम्मेदार हैं, या फिर शेख ओवैस हो, या फिर शेख कमाल हो, या दीगर अफराद जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ मैंने सिर्फ उनके नाम लिए। ऐसा नहीं कि मतलब यानी यही अफराद है जो इस महद की खिदमत में लगे हुए हैं और इसके अंदर मशगूल हैं, बल्कि और भी कई अफराद होंगे, बाकायदा एक कमेटी होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महद के सारे ही जिम्मेदारान को अल्लाह तबारक व ताला नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी इस जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, और जिस शख्सियत के नाम के साथ इन्होंने इस माहद का नाम रखा है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्सियत को जिस तरह अल्लाह ने मकबूलियत अता की थी, अल्लाह ताला इस माहद को भी मकबूलियत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी कदो काविश को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के रोज़ जहाँ पर कोई नेकी काम नहीं आएगी, कोई माल या कोई बेटा औलाद काम नहीं आएगी, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला इस अजीम तरीन खिदमत को उनकी नेकियों में शामिल करें। नेकियाँ तो बहुत काम आएगी उस दिन, सिर्फ नेकियाँ ही काम आएंगी, लेकिन वहाँ पर कोई दौलत या फिर कोई औलाद काम नहीं आएगी, वहाँ पर काम आएगी तो यही चीज़ काम आएगी, काम आएगी तो यही चीज़ काम आएगी। और जहाँ पर हमने बात की इस इल्म की बड़ाई के बारे में, और हमने बात की इस माहद के नाम जो रखा गया, इंतखाब जो अमल माया इस माहद का नाम, उस शख्सियत के बारे में हमने बात की, और बात की हमने हमारी कुछ दीन की खिदमत के बारे में, और कैसे हमने इल्म हासिल किया, और कैसे मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ मोहम्मद उमरी और मदनी की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमने गुफ्तगू किया, और हमने गुफ्तगू की जिम्मेदारान के बारे में, और किस मेहनत के साथ इन्होंने इस इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया, और कैसे किस मेहनत और काफ़ी लगन के साथ उनकी कोशिश है कि मतलब यानी मुल्क भर में बिलखसूस और सारी दुनिया में इस महद इब्न कथीर के ज़रिए दीन का प्रचार हो, दीन का तआरुफ हो, और सही तौहीद लोगों को पता चले और सही इल्म लोगों तक पहुँचे, इस नीयत के साथ इन्होंने इस महद का इंतखाब किया। और हम अब आपके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि कैसे आप लोग माशाल्लाह इस दीन की खिदमत के लिए जुड़े हो, और ज़रूरी है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ज़रूरी है कि आप इसके लिए वक्त निकालें। देखिए दुनियावी काम के लिए आपको बहुत वक्त मिल जाएगा, चाहे आपका दुनियावी काम कोई भी हो, अगर लड़के हो तो उनको पढ़ना ज़रूरी है दुनिया की तालीम, और आज के दौर में जब तक आप दुनिया की तालीम पढ़ेंगे नहीं, आपके मुल्क में भी आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, आपकी कोई इज्जत या कोई आपको मकाम नहीं मिलेगा, ज़रूरी है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि दीन की तालीम के लिए आप दुनिया को रुख्सत कर दो, हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप दुनिया का इल्म भी हासिल करो, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और आप इस चीज़ से बेनियाज भी नहीं हो सकते हैं। लड़के अगर होंगे तो उनको पढ़ने की धुन होगी, कमाने की धुन होगी, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों की धुन होगी, माँ बाप की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, अगर शादीशुदा होंगे तो बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, अगर लड़कियां अगर होंगी, अगर कुंवारी हैं तो फिर उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, पढ़ाई का मसला होता है, और फिर उसके साथ साथ घरेलू कामकाज होते हैं और दीगर जिम्मेदारियां भी होती हैं, और फिर उनके अपने कुछ शौक भी होती हैं, उनकी अपनी कुछ ज़रूरियात भी होती हैं, उसकी तरफ भी वक्त देना उन लड़कियों के लिए ज़रूरी होता है। फिर शादीशुदा अगर लड़कियाँ हों तो उनकी ज़िम्मेदारी तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, मतलब अगर जॉइंट फैमिली हो तो वो एक मसला होता है, और अगर तन्हा हो तो फिर शौहर को झेलना, शौहर को बर्दाश्त करना, शौहर की खिदमत करना, शौहर की खिदमत करना, और फिर बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को होनहार बनाना, और बच्चों के दीन और दुनिया के मसाइल के लिए तगोदो करना, कोशिश करना, तो बहुत सारे मसाइल, हर किसी के मसाइल है, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां हों, कुंवारे हो या शादीशुदा हो, हर किसी के अपने मसाइल, हर किसी के अपने मसाइल, लेकिन इस मसरूफ़ तरीन दुनिया में, इस मशगूल तरीन दुनिया में ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वक्त इल्म के लिए भी क़ुरबान करें, इल्म के लिए भी क़ुरबान करें। देखिए एक छोटी सी मिसाल दी जाती है दीन की अहमियत को समझने के लिए, वो छोटी सी मिसाल क्या है कि बच्चा जब स्कूल को जाता है, जब बच्चा स्कूल को जाता है तो उस वक्त बच्चे का बैग कहाँ होता है, उसके पीठ पर होता है
यानी कि पीछे के सेट होता है, ठीक है। और एक मिसाल है उस बच्चे की जो दीन का इल्म हासिल करता है, चाहे वो हाफिज़ कुरान हो या फिर आलिम दीन हो, तो वो अपने इल्म को कहाँ रखता है, वो अपने इल्म को अपने सीने में रखता है, ठीक है। और सीना इंसान के आगे का हिस्सा होता है और पेट इंसान के पीछे का हिस्सा होती है। क्या मतलब है इसका, इस मिसाल के ज़रिए आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि जो आप दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी महारत हासिल कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अलग अलग फील्ड में एंट्री कर रहा है, तखस्सुस हासिल कर रहा है और दुनिया की तरक्की की चोटी को वो पहुँच रहा है, दुनिया की तरक्की की चोटी को पहुँच रहा है और तरक्कियों पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, कामयाबी के मनाजिल तय करते जा रहा है, ठीक है। सब कुछ उसे मिल जाएगा, सब कुछ उसे मिल जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो उसकी रुखसती के साथ साथ उसकी जो दुनियावी पढ़ाई थी वो भी पीछे रह जाएगी, क्योंकि जिंदगी भर उसने जो पढ़ाई हासिल की उसका बैग हमेशा पीछे रहा, तो उसका इल्म भी पीछे ही रह जाएगा, उसका इल्म भी पीछे ही रह जाएगा। और एक हाफिज़ कुरान और एक आलिम दीन ज़िंदगी भर ये भी कमाता है, ये भी मेहनत करता है, ये भी लोगों को दीन समझाता है, नमाज सिखाता है, रोज़े के फ़ज़ाइल बताता है, ज़कात की अहमियत बताता है, हज के मसाइल बयान करता है, निकाह की अहमियत बयान करता है, बुयू मुआमलात ख़रीद व फ़रोख़ के मसाइल बयान, ये भी दीन की खिदमत करता है, ठीक है, ये भी तरक्की करता है। लेकिन ये बंदा जब दुनिया से जाएगा उसका वक्त आने पर, तो आप बताइए दोनों में बेहतर कौन है, वो इंसान जिसने ज़िंदगी भर दुनिया के लिए पसीना और खून एक कर दिया, या फिर ये इंसान जिसने दीन भी कमाया और दुनिया भी कमाई, लेकिन जब ये दुनिया से जाएगा तो उसका इल्म दुनिया में भी बाकी रहेगा, उसका इल्म दुनिया में भी बाकी रहेगा, ठीक है। और दुनिया में बाकी रहेगा इसका मतलब क्या है, यानी कि उसके शागिर्द होंगे, उसके शागिर्द किसी को पढ़ाएंगे, वो इल्म किसी और को देंगे, उसके भी शागिर्द होंगे, फिर आने वाली नस्ल में उसके भी शागिर्द होंगे, शागिर्दों पर शागिर्द, शागिर्दों पर शागिर्द। तो इस तरह से जो है, जो इल्म का सिलसिला है जो दुनिया से गया, उसका इल्म अपने शागिर्दों में जिंदा रहा, और जब तक वो शागिर्द दीन का काम करते रहेंगे उसका अज्र बराबर उसके उस्ताद को उसकी कब्र में मिलता रहेगा, उसकी कब्र में मिलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंसान जो दुनिया में उसके पैसों के बिलबोते पर सब कुछ उसने कमाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हाँ बड़े बड़ी इमारतें खड़ा कर दी अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आराइश और आलाइश और आयश और इशरत के हर चीज़ें वो फराहम कर गया। दुनिया में कोई ऐसी उसके पास नेमत नहीं रही होगी जो उसने हासिल ना की हो, बिफज़ल ही ताला अल्लाह ताला उसने, अल्लाह ताला उसको भी दिया होगा। लेकिन मरने के बाद कोई चीज़ अगर आपके पीछे कब्र में आती है तो वो सिर्फ क्या है, आपका इल्म, आपका इल्म, कौन सा इल्म, दीन का इल्म, कौन सा इल्म, दीन का इल्म। अगर आप दीन के पीछे जितना दौड़ोगे, दीन के पीछे जितना भागोगे, दीन के लिए जितनी मेहनत करोगे और जितना इल्म दीन अपने सीने में बसाओगे और फिर इस पर अमल करोगे, नूर नाला नूर, इल्म के साथ साथ अमल भी आ जाए, तो फिर ये चार चांद लगने वाली बात हो जाएगी। बहुत खुश नसीब होते हैं वो अफराद जिनको इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक भी नसीब हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी मौत के बाद भी आपका पीछा करेगी। देखिए एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, आप बताइए मुझे एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, ज़िंदगी में वो क्या पाना चाहता है, ठीक है ना। एक अगर अच्छा इंसान होगा, एक समझदार इंसान होगा, एक अगर वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, सहाबा कराम की उसने सीरत पढ़ी है, तो ये इंसान क्या चाहेगा, ऐसे इंसान की क्या तमन्ना होगी, आप मुझे बताइए। ये इंसान बस ये सोचेगा कि भाई मैं इतना कमाऊं कि मतलब यानी मैं अपनी ज़रूरत या अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकूं, या फिर मतलब यानी
कुछ अपनी फैमिली के लिए बाकी रख सकूं, अगर उसके पास उतनी दौलत होगी तो वो इतना कर पाएगा और वो दुनिया से चला जाएगा। लेकिन लेकिन ऐसा इंसान जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है और जो उसने इल्म हासिल किया, देखिए जब तक वो इल्म किताबों की शक्ल में जो उसने लिखी है, वो इल्म जो उसने अपने शागिर्दों को दिया है, जो उसने अपने शागिर्दों को दिया है और वो शागिर्द अपने शागिर्दों को देंगे, फिर वो शागिर्द अपने शागिर्दों, तब तक उसका अजर उसका सवाब उस उस्ताद को मिलता रहेगा। तो ये इंसान ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा फजीलत वाला है, ये इंसान ज्यादा बेहतर है और ज्यादा फजीलत वाला है। और ऐसे इंसान का अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी नाम रोशन करते हैं, दुनिया में नाम रोशन करते हैं। तो आप लोग मुबारकबाद है, आप लोग मुबारकबाद है कि आपने बेहतर चीज का इंतखाब किया, आपने बेहतर चीज का इंतखाब किया। जितनी देर आप हमारे साथ रहोगे या हम आपके साथ रहेंगे, उतनी देर में अल्लाह ताला के फरिश्ते हम पर रहमत अल्लाह ताला निछावर कर देता है, रहमत के फरिश्ते हमारे साथ जमा हो जाते हैं और अल्लाह ताला हमारा जिक्र उन अफराद के पास करता है जो बेहतर अफराद हैं, यानी कि फरिश्तों के पास मलाए आला में अल्लाह तबारक व तआला हमारा जिक्र खैर फरमाता है। तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुश नसीबी हो सकती है, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुश नसीबी हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस इल्म के काम के लिए चुना है। तो अब आपको शायद इसकी अहमियत समझ में आई होगी कि कितना बड़ा ये काम है, कितनी बड़ी ये कामयाबी है और कितनी बड़ी ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन हमें उन खुश नसीब अफराद में से एक बनाया जो यकीनन दीन का इल्म हासिल करते हैं और दीन को सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दीन को सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला के हम खुश नसीब बंदों में से एक बंदे हैं। देखिए हैदराबाद के हालात आप सब से पोशीदा नहीं है, क्या हैदराबाद के हालात हैं, क्या हैदराबाद में जो मुसीबत आई है, यकीनन वो एक बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह की जानिब से, बहुत बड़ी आजमाइश है। वनबलूकुम बिशर वलखैर फितना वइलैना तुरजऊन, हम तुम्हें शर और खैर के जरिए आजमाएंगे और तुम्हें हमारी ही तरफ लौटना है। वलनबलुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जूअ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई अगर तुम मुसलमान है तो हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे और आजमाने की कैफियत हमारी अलग अलग होगी। कभी हम तुम्हें डरा कर आजमाएंगे, कभी हम तुम्हें भूखा रख कर आजमाएंगे, कभी हम तुम्हारी दौलत को कम करके आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों को छीन कर या तुम में से चंद अफराद की जान लेकर तुम्हें आजमाएंगे। और किसी के बागात होंगे, किसी के खेत होंगे, तो हम किसी के फल कम करके उसे आजमाएंगे। लेकिन ये जितनी भी आजमाइश की सूरतें हैं, चाहे वो इंसान की दौलत चली जाए, जैसे आजकल बारिश की वजह से कई लोगों की जायदाद और दौलत उनसे छिन गई, या फिर कई लोगों की जान भी चली गई, या फिर कई लोगों को अपने अजीज़ व अकारिब को भी खोना पड़ा, अजीज़ व अकारिब को भी खोना पड़ा, ऐसे कई मसाइल होते हैं। तो इंसान को आजमाइश किसी भी एतबार से आ सकती है, किसी भी एतबार से आ सकती है। इन आजमाइशों में जो बंदा सब्र करेगा उसके लिए बशारत है, उसके लिए खुशखबरी है। ठीक है, अब वो खुशखबरी अल्लाह ताला की मखसूस रहमतें उसे नसीब होती हैं, अल्लाह की जानिब से खास हिदायत ऐसे इंसान को नसीब होती है। ऐसे मुश्किल हालात में भी महद इमाम इब्ने कसीर के जिम्मेदारान ने सोचा कि भाई इल्म की खिदमत बहुत अजीम तरीन खिदमत है, हम इस काम में जितना मतलब यानी ताखिर करेंगे वो ताखिर होती जाएगी, शुरू कर देते हैं,
शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक नेक काम है और नेक काम में कभी इंसान को कभी ताखिर नहीं करनी चाहिए। तो इस नीयत से शहर हैदराबाद के ऐसे हालात और मुश्किल होने के बावजूद भी इन्होंने एक नेक काम का आगाज़ कर दिया है, वलिल्लाह अलहम्द वल मिन्ना। बस अल्लाह ताला इस काम को और आगे ले जाने में हम सब की मदद फरमाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे, जिम्मेदारान को भी, असातिज़ा को भी और आप तमाम तलबा इल्म और तालिबात इल्म को भी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे औकात में भी बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे शहर के हालात को भी दुरुस्त फरमाए, हमारे शहर के हालात को भी दुरुस्त फरमाए। तो इस नाजुक हालत के पेश नज़र, ऐसे मुश्किल तरीन हालात में हमने ये सोचा कि बराह रास्त अगर हम दीन का काम या फिर मुख्तलिफ ये सब्जेक्ट अगर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस हफ्ते में हम आपके सामने इंशाअल्लाह इल्म की अहमियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इल्म की अहमियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब यानी उन बातों को आप, चूँकि निसाब शुरू नहीं हो रहा है, सिलेबस शुरू नहीं हो रहा है, तो ये सोचकर आप जो है अपनी कापियों को बंद मत कर लीजिए, अपनी कापियों को खोल लीजिए और अपनी कलम को फुर्ती में लेकर आइए, चुस्ती में लेकर आइए। और ऐसा नहीं कि मतलब यानी उस्ताद बात कर रहा हो, आप अपनी दुनिया में फ़ोन ऑन कर दिए, ऑडियो ऑन कर दिए और अपनी अलग दुनिया में आप लगे हुए हों, किसी और से चैटिंग में लगे हुए हों और कोई और काम में आप लगे हुए हों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने हमें वक्त देने का फैसला कर ही लिया है तो आप संजीदा हो जाइए, आप संजीदा हो जाइए और मुकम्मल अमानत के साथ, संजीदगी के साथ हमें ये वक्त दे दीजिए। आप अब आप हमारे अपने हैं, ये जितना वक्त हमारा आपके साथ है उस वक्त में आप हमसे जुदा नहीं हो सकते हैं किसी भी एतबार से। ना आप पर्सनल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना आप किसी और चीज़ में इंटरफियर हो सकते हैं, ना किसी और से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। ये हमारे साथ का वक्त है, अब आप हमारे अपने हैं, हमारे मेहमान हैं और हम आपके मेज़बान हैं, हम आपके मेज़बान हैं और आपकी खिदमत करना, आपको इल्म देना ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हम पर वाजिब है। तो अब हम आपके सामने इंशाअल्लाह दीन की और इल्म की अहमियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और आप यहाँ पर जो मैं तशरीह करूँगा वो तशरीह आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट ज़रूरी है, ये पॉइंट ज़रूरी है, उस पॉइंट को आप लिख लीजिए ताकि आप जब इस मजलिस से उठें, मेरी इस क्लास से जब आप रुख्सत हों, तो आपको ये लगना चाहिए कि हमने शेख मोहम्मद से कुछ सीखा है, शेख मोहम्मद से हमने कुछ सीखा है और आपकी ये मदरिस फ़ायदे के बगैर नहीं होनी चाहिए। तो हर तालिब इल्म के पास, चाहे वो कम उम्र हो या फिर ज़्यादा उम्र हो, तलब इल्म होते हैं और इल्म की कोई सीमा होती भी नहीं है और इल्म की कोई उम्र भी नहीं होती है, कभी भी आप इल्म हासिल कर सकते हो। लेकिन आप ये बात याद रखिए, कौन सी बात, इल्म को आप अगर महफूज करना चाहते हैं, इल्म को आप अगर महफूज करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, तो उसके दो अहम तरीन तरीक़े हैं और वो दो तरीक़ों के बगैर इंसान कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता है, कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता है। बिलखुसूस दीन की जब हम बात कर रहे हैं, शरीयत के इल्म की हम जब बात कर रहे हैं, तो शरीयत के इल्म के लिए उन दो चीज़ों का पाया जाना तो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। वो दो तरीक़े कौन से हैं जिसके ज़रिए आप इल्म को महफूज कर सकते हो, इल्म को आप महफूज कर सकते हो? एक है सुदूर, मैं आपको लिखकर भेज रहा हूँ, एक है सुदूर और दूसरा है सुतूर। देखिए आप, एक है सुदूर और दूसरा है सुतूर, कितनी अच्छी इबारत है माशाल्लाह। सुदूर और सुतूर ये दो ही ऐसे ज़रिए हैं जिसके ज़रिए आप इल्म को हमेशा के लिए महफूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये दो ज़रियों से आप बाहर रहोगे तो कभी भी इल्म को आप सेफ नहीं कर सकते हैं, इल्म की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। सुदूर का क्या मतलब है, सुदूर का क्या मतलब है? सुदूर ये जमा है सदरुन की, किसकी जमा है? सदरुन, ठीक है, सदरुन की ये जमा है। सदरुन यानी सीना,
यानी कि एक तरीका है कि आप इस इल्म को अपने सीने में महफूज कर लें। अब आज ये ज़माना है नहीं, कर सकते हैं आप, इसके लिए भी काफ़ी मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए कि आप हासिल करदा इल्म को सिर्फ़ अपने सीने महफूज कर लें, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको सख्त हाफिज़ी की ज़रूरत है, और ऐसा हाफिज़ा आज के दौर में शायद ही किसी के पास है। होगा ऐसा हाफिज़ा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मेमोरी होगी कि आप सुनकर याद कर लें, ऐसी मेमोरी हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम में से हर कोई बुखारी भी तो नहीं बन सकता है ना, हम में से कोई हर कोई इमाम बुखारी भी नहीं बन सकता। इमाम बुखारी माशाल्लाह जिस चीज़ को एक बार सुन लेते तो वो चीज़ उनके जहन में महफूज हो जाती है और हमेशा के लिए उनके सीने में महफूज हो जाती है, बल्कि कई बार अपने असातिज़ा की गलती भी वो बयान करते थे, शागिर्द होकर अपने असातिज़ा की गलती को पकड़ते थे कि शेख ऐसा नहीं, किताब में ऐसा होना चाहिए, तो शेख कहते कि भाई आपको कैसे पता है, नहीं शेख आप एक बार चेक करिए। तो उस्ताद जाकर अपने कमरे में जहां वो किताब रखा होता है, जब जाकर देखता है तो हूबहू इबारत वैसे ही होती है जैसे इमाम बुखारी ने कही है। तो हर किसी का हाफिज़ा इमाम बुखारी के जैसा नहीं हो सकता है कि वो सुन ले और वो बात उसके जहन में बैठ जाए, दिल में महफूज हो जाए। बहुत अच्छी बात होगी अगर किसी का हाफिज़ा ऐसा होगा। दूसरा तरीका जिसके ज़रिए आप इल्म को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, वो सुतूर। क्या है वो सुतूर? सुतूर का क्या मतलब है? सुतूर ये है जमा सतरुन की। किसकी जमा है ये? सतरुन। सतरुन के माने क्या है? लिखना, तहरीर करना, कलम। तो आप दो तरीक़ों से इल्म को सेव कर सकते हो, महफूज कर सकते हो, कोई और तरीक़ा नहीं है आपके पास, कोई और तरीक़ा है नहीं, दो ही तरीक़े हैं। तो एक है सुदूर और एक है सुतूर। या तो सीने महफूज करो सुनकर आप, और इतनी मेमोरी और इतनी याददाश्त आज के ज़माने में इतनी क़ुव्वत वाली याददाश्त, इतनी पावर वाली याददाश्त शायद ही किसी के पास होगी। रहा आपके पास दूसरा ऑप्शन, सुतूर, लिखिए आप। जब तक आप नहीं लिखोगे आप जो है इस इल्म को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इल्म आपके पास हमेशा जिंदा रहे, आप चाहते हो कि मैंने उस्ताद को जो वक्त दिया है मेरा एक वक्त भी बर्बाद ना हो, क्योंकि मेरा हर वक्त कीमती है। पहले आपके दिमाग में वक्त की अहमियत आनी चाहिए ना, आपके दिमाग में वक्त की अहमियत आ गई तो आपका हर सेकेंड आपके पास कीमती रहेगा। अब जब हर सेकेंड आपके पास कीमती होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं मजलिस से उठूं और मेरे पास कोई चीज़ ना हो, कोई चीज़ लिखी हुई ना हो, या बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए आप लिखिए। आप लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा मुझे बोलिए आप? लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ आपके जहन में महफूज हो जाएगी, कैद हो जाएगी, जकड़ जाएगी वो। इसीलिए उमर बिन खत्ताब से ये कौल मरवी है कि क़य्यदुल इल्म बिल किताबा। क्या कौल मरवी है उनसे? हाँ, बहुत प्यारा कौल है ये, क़य्यदुल इल्म बिल किताबा। इल्म को कैद करो लिख कर। कैदी किसे कहते हैं हम? कैदी तो पता है ना आपको, जो जेल में बंद कर दिया जाता है, जो जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस इल्म को भी आप अपने सीने में कैद कर लीजिए, जकड़ दीजिए। कैसे जकड़ना है, कैसे कैद करना है? लिखकर। आप लिखकर इस इल्म को अपने सीने में कैद कर दोगे, महफूज कर दोगे, तो फिर इंशाअल्लाह कभी भी आप बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखिए, वो इल्म इंशाअल्लाह आपसे ज़ाय नहीं हो सकता है, वो इल्म आपसे ज़ाय नहीं हो सकता है। तो हम आपके सामने इल्म के बारे में बहुत चीज़ें यहाँ पर पेश करेंगे हम आपके सामने इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ हम ये कहें कि ये पॉइंट आपको लिखना है तो वो आपको लिखना है, आपके लिए बेहतर होगा, हम आप पर जबर नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लाजमी तौर पर आप पर थोप नहीं सकते हैं, हमारा काम बस आपको समझाना है। डर तो आपको अल्लाह का होना चाहिए, हम तो बस आप ही की तरह एक इंसान हैं, हम आपको बस इस चीज़ की अहमियत बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जनाब या फिर मोहतरमा आप लिखना चाहो
तो लिख लीजिए, बहुत बेहतर है अगर आप लिख लेंगे, ये चीज़ आपके पास महफूज रहेगी। हाँ, और जहां मैं तशरीह करूंगा, तशरीह में अगर कोई लिखना चाहता है तो ऑप्शन है, वो लिख सकता है, लेकिन अगर कोई पॉइंट पर इक्तफा करे तो ये बेहतर है, और उसके लिए इफादियत और मनफायत से खाली नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, इस्लामी तालीम का हुक्म। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? इस्लामी तालीम का हुक्म, इस्लामी तालीम का हुक्म, ये हमारा पहला पॉइंट है। इस्लामी तालीम का हुक्म, इस्लामी तालीम का हुक्म, ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है। अब इसका जवाब क्या है? इस उम्मत के नाम अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इस्लामी तालीम हासिल करना। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखिए, इस उम्मत के नाम अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इस्लामी तालीम हासिल करना है। अच्छा, इस बात की दलील कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपको दुनिया में किसी चीज़ के हासिल करने का हुक्म दिया तो वो इल्म दीन है, कोई और चीज़ नहीं है, किसी और चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक आप इल्म दीन हासिल ना करें। जब अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म अल्लाह का है इस उम्मत के नाम दीन का इल्म हासिल करना, इस्लामी तालीम हासिल करना, इस उम्मत के नाम अल्लाह का सबसे पहला पैगाम। अब इस बात की दलील अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सूरह अलक आयत नंबर 1-5। आप आयत का रेफरेंस लिख लिए तो काफ़ी है इंशाल्लाह, आयत का रेफरेंस काफ़ी है आपके लिए, और इस पर आप इक्तफा कर भी सकते हो इंशाल्लाह। सूरतुल अलक आयत नंबर 1-5, आयत नंबर 1-5। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। अपने रब का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया, जिसने सारे इंसानों को खून के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो हालांकि आपका रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। देखिए, यहाँ पर आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। कितनी बड़ी बात है, हमने आपको यहाँ पर अहमियत बयान की सुतूर की, लिखने की। लिखोगे तो इल्म आपके सीने महफूज रहेगा। जब अल्लाह ने कह दिया कि इल्म के जरिए अल्लाह ने हमें दीन सिखाया, तो आपको इससे बढ़कर क्या चाहिए जनाब मोहतरमा, कि आप लिखने से पीछे क्यों हट रहे हो, क्यों उसमें सुस्ती और काहिली और गफलत बरत रहे हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज पहला दिन है तो आपने जोश और खरोश से लिख लिया और सगेट दिन फिर सुस्ती आ गई, काहिली आ गई। अरे शेख उस्ताद तो हमारे बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना है। लेकिन बेहतर तालिब इल्म वो होता है जो उस्ताद की हर बात को, जो किताब और सुन्नत की मुआफिक होती है, अहमियत देता है, और वो तालिब इल्म जो बस बराए नाम शहादा के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, या दुनिया में नाम कमाने के लिए, या किसी और के नज़दीक अपने आप को नेक बनाने के लिए इस माह से जुड़ा हुआ है, तो उसके नज़दीक उस्ताद की कोई अहमियत नहीं होगी, उस्ताद की बात की भी कोई अहमियत नहीं होगी। तो जब अल्लाह ने खुद कहा कि कलम के जरिए हमने इंसान को इल्म सिखाया, तो इस इल्म को भी आप अपने सीने में महफूज रखिए और कलम की अहमियत को भी आप जानिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इस्लामी तालीम का हुक्म, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा मौजू है, और हमने कहा कि इस्लामी तालीम का हुक्म में आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि इस उम्मत के नाम अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इस्लामी तालीम हासिल करना है, और इसकी दलील भी हमने आपको दे दी, इसकी दलील भी हमने आपको दे दी, सूरह अलक आयत नंबर 1-5। देखिए, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हमने कहा माहद इब्ने कसीर इन्हीं के नाम से माशाल्लाह कायम हुआ, माहद इब्ने कसीर इन्हीं के नाम से कायम हुआ, और जब तक हम इस आयत की तफसीर में
हाफिज इब्न कसीर का नाम नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बात भी अधूरी और इनकम्प्लीट और नाकिस ही होगी। तो सूरह अलक आयत नंबर 1-5 जो हमने आपके सामने भी पढ़ी और रेफरेंस हमने आपके चार्ट में भी लिखा है, तो उसमें इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह आयत मुबारका सबसे पहले नाजिल हुई, कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई यही पांच आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। ये पांच आयतें जो सिर्फ इल्म पर मुश्तमिल है, पढ़ो बस पढ़ो, हाँ। अब इससे बढ़कर आपको इल्म की अहमियत के बारे में कोई और भी दलील चाहिए? जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम आपके सामने इंशाअल्लाह मजीद, ताकि आपको फायदा हो इल्म की अहमियत के बारे में, आपके सामने और भी दलाइल को इंशाअल्लाह पेश करने की जसारत करेंगे। और फरमाया जो बंदों पर अल्लाह की सबसे पहली रहमत और नेमत, देखिए आप कितनी प्यारी बात इब्न कसीर कह रहे हैं। एक तो ये आयत है अल्लाह के नबी पर उतरी सबसे पहली वही, ये आयत का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इब्न कसीर क्या कह रहे हैं, बंदों पर सबसे पहली रहमत और नेमत, सबसे पहली रहमत और नेमत यही आयतें। अच्छा क्यों ये आयतें हमारे लिए रहमत और नेमत है? क्योंकि अल्लाह ताला ने तालीम की बिना पर इंसान की तकरीम की, इंसान को इज्जत दी, इंसान को अशरफ बनाया, अफजल बनाया, फजीलत वाला बनाया। इस जुमले का अपोजिट क्या निकलता है, यानी कि इंसान के पास दीन की तालीम नहीं होगी तो वह अल्लाह की इस तकरीम का और अल्लाह ताला की इस रहमत का और नेमत का वो हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर आप अल्लाह की रहमत और इस नेमत के हिस्सेदार और मुस्तहिक बनना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इस इल्म दीन को अपने सीने में बसाना चाहिए, इस इल्म दीन को हासिल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इब्न कसीर आगे कह रहे हैं, और तालीम की वजह से इंसान फरिश्तों से भी आला हो गया। देखिए आप कितनी प्यारी बात, तालीम की वजह से इंसान फरिश्तों से भी आला हो गया। फरिश्ते किन्हें कहते हैं? अल्लाह की वो मखलूक जिनको अल्लाह ने नूर से पैदा किया और जो कभी भी अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह के हर हुक्म की तामील करते हैं और अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में किसी किस्म की ताखीर नहीं करते हैं, ऐसी मखलूक से इंसान आला हुआ, बुलंद हुआ, किस वजह से, क्या रीजन है, क्या सबब है? वो है तालीम। तालीम, तीन पॉइंट यहां पर हाफिज इब्न कसीर ने बहुत प्यारे बयान फरमाए। फिर से मैं आपके सामने इन बातों को पेश कर रहा हूं इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये आयत मुबारका सबसे पहले नाजिल हुई। जो बंदों पर अल्लाह की सबसे पहली रहमत और नेमत है। अब क्यों अल्लाह पर सबसे पहली रहमत भी है और नेमत भी है? क्योंकि तालीम की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम की है, क्योंकि तालीम की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम की है और तालीम की वजह से इंसान फरिश्तों से भी आला हो गया। ये चीज़ आप याद रखिए, हाफिज इब्न कसीर का कौल बहुत प्यारा कौल है। किसी ने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो वो इंशाल्लाह मैं उसके लिए दोबारा ये कौल लिख सकता हूँ और दोबारा इमला भी करा सकता हूँ इंशाल्लाह। देखिए इस्लाम की तालीम की अहमियत के पेश नजर अल्लाह ताला का कलाम इसी फरीजे के हुक्म से शुरू हुआ, यानी कि तालीम के हुक्म के फरीजे शुरू हुआ और
हमने दरमियान में आपसे इमाम बुखारी की बात की, इमाम बुखारी की बात की, और कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? इस कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी, कुरान मजीद के बाद, कुरान मजीद के, कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब सही बुखारी। इसमें के मैं उर्दू के हिसाब से टाइप में कर रहा हूँ, वो अरबी के हिसाब से है, तो आप ये मत समझिए कि शेख ने कोई गलती की है। मेरे पास उर्दू टाइप है लेकिन लिखने में काफ़ी ताखिर होगी, तो पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुरान मजीद के है वो, कि मैंने अरबिक टाइप के हिसाब से लिखा है, आप उसको के ही पढ़िए बेहतर रहेगा। कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब सही बुखारी है। अब यहाँ पर आपने इल्म इस उम्मत के नाम सबसे पहला पैगाम है, कुरान से इसकी दलील सुन ली, ठीक है ना, और कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। सही बुखारी भी इखलास इखलास से नीयत की तरगीब के बाद इसी फजीलत और फरीजत की बयान से शुरू हुई हुई। ठीक, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट क्या लिखने का है? उम्मत के नाम सबसे पहला पैगाम इस्लामी तालीम का हुक्म, इसकी दलील मैंने आपको दे दी है सूरह अलक आयत नंबर 1-5, और इसकी तफसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर के कौल को मैंने आपके सामने बयान किया और कहा कि ये अहम तरीन इब्ने कसीर की बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है कि इल्म की अहमियत के पेश नज़र कुरान मजीद की बात सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी में भी इखलास नीयत के बाद, इखलास नीयत के बाद इसी इल्म दीन का जिक्र हुआ, इसी इल्म दीन के सीखने का जिक्र हुआ। क्या फरमाया इमाम बुखारी ने? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अमीर मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन फारूक, उमर बिन खत्ताब अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू। क्या पढ़ेंगे इसको आप? तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, ठीक है, तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू। ये कौल किसका है? ये कौल है उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का। यह कौल कहाँ पर मरवी है? सही बुखारी में यह कौल मरवी है। सही बुखारी में यह कौल जो है मरवी है। किसके बाद? इखलास नीयत के बाद। इखलास नीयत के बाद उन्होंने इस कौल के साथ ही इल्म की अहमियत को बयान फरमाया। इस कौल का मतलब क्या है? तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, दुनिया की सरदारी दी जाने से पहले, दुनिया की सरदारी दी जाने से पहले दीन की समझ हासिल करो, दीन की समझ हासिल करो। यानी कि दुनिया में आप अगर बादशाह बनना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के कायद बनना चाहते हैं, किसी भी कौम के कमांडर बनना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास ये इल्म नहीं होगा, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल का, शरीयत का इल्म नहीं होगा, तब तक आप सही मायने में दुनिया की कमांडरी हासिल नहीं कर सकते, आप दुनिया के कायद और साइद या रहनुमा नहीं बन सकते हैं। आप कोई ना कोई गलती करोगे, आप किसी ना किसी गुमराही के शिकार होगे। आप अगर आप कायद बन भी जाओगे, सियादत आपके हाथ में आ भी जाएगी, अगर ज़ामत की लगाम आपके हाथ में सौंप भी दी जाएगी, तो आपके पास ये शरीयत का इल्म नहीं होगा, आप ख़ुद भी गुमराह होगे और लोगों को भी गुमराह करोगे, आप ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करोगे। इसलिए आप ये दीन का इल्म हासिल करो, ताकि दुनिया की कमांडरी और दुनिया की सियादत और क़ियादत के भी आप हकदार बन सको।
ये तो किसका कौल है? उमर बिन खत्ताब का कौल है कि भाई दुनिया की सरदारी दी जाने से पहले दुनिया की सरदारी दी जाने से पहले दीन की समाज करो, हासिल करो। लेकिन इसके आगे मुखारी ने फरमाया, वबादान तुसव्वदो। देखिए ये कौल भी आप नोट कीजिए, वबादान तुसव्वदो, वबादान तुसव्वदो वक़द तअल्लमा अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब ने तो इतना ही कहा कि भाई दुनिया की सरदारी दी जाने से पहले तुम दीन का इल्म हासिल करो, लेकिन इमाम बुखारी ने फरमाया कि दुनिया की सरदारी मिलने के बाद भी इल्म हासिल करो। यानी कि इल्म से इंसान का रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए। अगरचे कि दुनिया का सरदार बन भी गया, दुनिया की क़ियादत और दुनिया की सियादत उसे अगर दी भी जाए तो उसे इल्म के दामन से अलग नहीं रहना चाहिए, दीन से जुदा नहीं होना चाहिए, दीन के इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए कि इंसान चाहे किस उम्र में ही क्यों ना हो। इमाम बुखारी कह रहे हैं वबादा अन तुसव्वदू, दुनिया की सियादत मिलने के बाद भी, दुनिया की लीडरी मिलने के बाद भी, क्योंकि अल्लाह के नबी के सहाबा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी बड़ी बड़ी उम्रों में दीन का इल्म हासिल किया। सहाबा ने बड़ी उम्र में, देखिए ऐसा नहीं कि मतलब यानी 40 साल आ गए, 50 साल आ गए तो सहाबा ने ये समझा कि भाई इस उम्र में कौन इल्म हासिल करेगा, गलत बात है। सहाबा कराम ने दीन को समझा, दीन को परखा, अगरचे के बाद सहाबा की उम्र बड़ी थी। अब देखिए आप, यहाँ पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस में सबसे ज्यादा रिवायतें अबू हुरैरा की, सबसे ज्यादा रिवायतें जो हम तक पहुंची हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। आपको ताज्जुब होना चाहिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम कबूल किए वो 50 साल के बाद इस्लाम कबूल किए, उनकी उम्र 50 साल हो चुकी थी तब इस्लाम कबूल किए। लेकिन 50 साल के बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, 50 साल की उम्र में जो इस्लाम को कबूल किया उन्होंने 50 प्लस में, तब से लेकर अल्लाह के रसूल जब तक जिंदा थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, हर वक्त अल्लाह के रसूल के साथ रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह चिमट गए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा आपकी सोहबत में ही रहते थे, वो कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को अलग न करे। दुनिया दिगर अंसार और महाजरीन अपने अपने कामों में थे, अंसार अपने कामों में थे और महाजरीन अपने अलग अलग कामों में थे, लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा हर लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे वो। इसीलिए सबसे ज्यादा रिवायतें हमारे पास किसकी पहुंची? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो पता, इससे क्या चलता पता आपको कि इल्म हासिल करने वाला इंसान कभी भी अपनी उम्र को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। इल्म अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं, आप संजीदा अगर हैं, तो यकीनन आप इस उम्र में भी आकर 40 प्लस 50 प्लस में भी आकर आप अपने आप को वक्त का बड़ा इमाम बना सकते हो, आप वक्त का बड़ा आलिम दीन और फाजिल बना सकते हो आप। लेकिन आपकी नीयत में इखलास जरूरी है, आपके अमल में संजीदगी जरूरी है और आपकी जस्तजू पक्की और मخلص होनी चाहिए, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की नीयत मुखलिस थी, मेहनत सच्ची थी, ईमान अच्छा था, अमल पुख्ता था, इल्म बहुत सच्ची नीयत से हासिल किया था। अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम भी दिया कि आज तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा रिवायतें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, सबसे ज्यादा रिवायतें। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, उमर खत्ताब का और किसका? इमाम बुखारी रहमतुल्लाही अलैहि का। देखिए तलब इल्म और अजीज तालिबात इल्म, अल्लाह ताला का सबसे पहला हुक्म आपको दीन इल्म हासिल करने का है। बिलखुसूस इल्म दीन जो अहम तरीन उसूल है,
दीन की बुनियादी बातें, ये दीन की बुनियादी बातें, ये दीन की बुनियादी बातों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दीन की बुनियादी बातों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, कह रहा हूं मैं आपको, समझ रहे? इस चीज से कभी भी आप अपने आप को गाफिल नहीं कर सकते। आप दीन की बुनियादी बातें जिनसे आप अपने आप को चाहकर भी बेनियाज और दूर नहीं कर सकते आप, जैसे ईमान की अरकान, इस्लाम की अरकान, नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज और वाजिबात, और रोजे के वाजिबात और ममनूआत, ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये बहुत जरूरी है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो फरमाया हर मुसलमान पर फर्ज है। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जिंस बयान नहीं की, उम्र बयान नहीं की, और कोई पेशा, वजीफा या जॉब बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला इस्तिस्ना सब के लिए अमूमी तौर पर कहा कि इस्लामी तालीम को हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जब तक ये फरीजा इंसान बहुस्न व खूबी अदा करता रहेगा तो वो अजर और सवाब के साथ इज्जत और सरबुलंदी की जिंदगी गुजारेगा। आपके पास इल्म होगा तो आपके पास अजर और सवाब ये भी होगा आपके खाते में, और अल्लाह ताला आपको इज्जत भी अता फरमाएगा और सर बुलंदी भी अल्लाह ताला आपको फतह फरमाएगा, यानी कि आपको सिर्फ दुनिया में तरक्की ही तरक्की मिलती जाएगी। अल्लाह आपके सर को हमेशा बुलंद रखेगा, यानी हमेशा अल्लाह ताला आपको कामयाबी और तरक्की नसीब करता जाएगा। लेकिन लेकिन आप ये भी याद रखिए कि अगर इस फरीजे में आपने कोई कोताही की, कोई आपने गफलत बरती, तो फिर ऐसा मुसलमान बंदा इस फरीजे की अदाई से गफलत के सबब अल्लाह की सजा और अज़ाब का मुस्तहिक भी होगा। इल्म हासिल करोगे बिला किसी इस्तिस्ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर मुसलमान पर फर्ज है इल्म का हासिल करना बिला इस्तिस्ना। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि भाई फला उम्र से फला उम्र तक या फला उलमा ही हासिल करें, या फिर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि मर्द हजरात ही हासिल करें औरतें दूर रहें, या औरतें हासिल करें मर्द दूर रहें, या फिर बच्चे हासिल करें नौजवान हासिल करें बूढ़े दूर रहें, सिर्फ कुंवारियाँ हासिल करें शादीशुदा दूर रहें, शादीशुदा हासिल करें कुंवारियाँ दूर, ऐसा अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा। सब के ऊपर अल्लाह के रसूल ने इल्म दीन के हुसूल को फर्ज करार दिया है कि आपको इल्म हासिल करना ही करना है, आपको कोई चारा नहीं है आपको इसके बगैर। ये इल्म को आपने हासिल कर लिया तो समझो आपके पास इंशाअल्लाह जो सवाब क्रेडिट होता जाएगा दुनिया में भी और आपके मरने के बाद, मजीद आपको दुनिया में अल्लाह ताला इज्जत भी देगा सबके सामने, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी पूरी दुनिया। और लेकिन आप अगर इस इल्म से दूर रहोगे, इस इल्म को अहमियत नहीं दोगे, इस इल्म को पसे पुश डाल दोगे, इग्नोर कर दोगे, और दुनियावी मेहनत के सामने, दुनियावी कमाई के सामने, दुनियावी ऐशो आराम के आगे आपके सीने में अगर इस इल्म की अहमियत नहीं होगी तो फिर आपकी जिंदगी और अल्लाह के पास आप सजा और आदाब के मुस्तहिक रहोगे। इसलिए इस इल्म से आप अपने आप को दूर मत कीजिए, इस इल्म को आप सीने से लगाइए, वक्त दीजिए इस इल्म के लिए, आप वक्त दीजिए, और जब वक्त आपने दे दिया तो फिर आप जो है इखलास संजीदगी के साथ इस इल्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। तो आपने
इस इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत का नाम सबसे पहला पैगाम जो दिया वो इन आयतों के साथ दिया जिनमें इंसान को सिर्फ पढ़ने का हुक्म दिया गया। देखिए यहाँ मैं आपके सामने और एक सेकंड टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। अभी पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था मेरा इस्लामी तालीम का हुक्म, ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। सेकंड पॉइंट मेरा है इस्लामी तालीम की अहमियत और फजीलत, इस्लामी तालीम की अहमियत व फजीलत। अब यहाँ पर इस्लामी तालीम की अहमियत और फजीलत बहुत सारी आयतें, बहुत सारी अहादीस भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेंगे वो ये लेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, अल्लाह के रसूल आप कह दीजिए इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं, यानी जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे पहली आयत है इल्म की अहमियत के बारे में कि इल्म हासिल करने वाले बेहतर है और इनका दर्जा बड़ा है उन लोगों से जो इल्म दीन से कोरे हैं और जो इल्म दीन से पीछे हैं। पहली आयत कौन सी है? कुल हल यस्तवी लदीना, कुल हल, छोटी छोटी आयतें अगर होगी तो मैं लिख देता हूँ और बड़ी आयतें अगर होगी तो मैं इसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ इंशाल्लाह। कुल हल यस्तवी लदीना या अलमोना वल्लदीना ला या अलमोन। ये आयत है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। और दूसरी आयत इल्म की अहमियत और फजीलत के बारे में अल्लाह ताला का यह फरमान, यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के और जिन्हें इल्म अता किया गया उनके दर्जात को बुलंद करता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला एक तो दर्जात बुलंद करता है अहले ईमान के, और अहले ईमान में जो अहले इल्म है अल्लाह ताला उनको मज़ीद और दर्जात और बुलंदी अता फरमाता है। बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के दर्जात को बुलंद करता है मतलब ये है कि वो दुनिया में भी सुरखरू रहेगा और आखिरत में भी सुरखरू रहेगा। दुनिया में भी वो बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेगा और आखिरत में भी वो बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेगा। दुनिया में भी वो कामयाब रहेगा, आखिरत में भी वो कामयाब रहेगा। दुनिया में भी वो सआदत और अमन की ज़िंदगी बसर करेगा और आखिरत में भी वो सआदत और अमन की ज़िंदगी बसर करेगा। ये अल्लाह ताला के उस इंसान के दर्जात को बुलंद करने का मतलब है। तो दर्जात बुलंद करना आप ये मत समझो कि मतलब दर्जात बुलंद करना क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है दर्जात बुलंद करना। एक तो उसके नाम है अमाल में उसकी नेकियां ही नेकियां लिखी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके पीछे उसके कई थमरात और कई फल और कई फ़ायदे उस इंसान को मिलते रहते हैं और नसीब होते रहते हैं। तीसरी बड़ी दलील इस्लाम की तालीम की अहमियत और फजीलत के बारे में वो है सूरह बकरा 31-33। सूरह बकरा आयत नंबर 31-33। यहाँ पर मैं इन आयत के बारे में जो सूरह बकरा की आयतें हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अल-मलाइकति फ़क़ाल أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إن آيات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے. ہم نے کہا کہ معہد امام ابن کثیر کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا ہے اور یہ نام پڑا ہے, اس لیے اس آیت کی تفسیر میں ہم کس کے قول کو لیں گے, پھر اسے دوبارہ حافظ ابن کثیر کے قول کو لیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے, دیکھیے قول بہت عمدہ ہے, بہت پیارا قول ہے, کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتا ہے, بہت پیاری بات. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے بالمقابل, فرشتوں کے بالمقابل ایک طرف آدم علیہ السلام ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوئے, فرشتوں کے بالمقابل آدم علیہ السلام کے شرف کا تذکرہ فرمایا. آدم علیہ السلام کے شرف, شرف یعنی بلند مقام, اونچا مقام. فرشتوں کے بالمقابل, میں نے کہا فرشتے کون سی ہستی ہے جن سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی, کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو یہ بجا لاتے ہیں. ایسی پاکیزہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے افضل کسے قرار دیا؟ آدم علیہ السلام کو. وجہ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی بجائے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا خصوصی علم عطا کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے بجائے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا خصوصی علم عطا کیا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے بالمقابل خصوصی علم عطا کیا تو مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اہمیت فرشتوں سے بڑھ گئی, آدم علیہ السلام کی اہمیت فرشتوں سے بڑھ گئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام والسلام کو اتنا افضل اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اتنا افضل اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے. یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو باتیں اسلامی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں باقی رہ گئیں اسے ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ سوال کر سکتے ہیں, اگر ایڈمن آپ کو سوال کرنے کی اجازت دے تو انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں. جو ہوسٹ ہیں اگر ان کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہوں. مرد حضرات مائک کھول کے سوال کر سکتے ہیں, لیڈیز چیٹ باکس میں اپنا سوال لکھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے جو قول پیش کرا تفقہوا قبل ان تسودوا, جی جی, تو اس کے متعلق سوال تھا شیخ. چند دن پہلے, شیخ چند مہینے پہلے تو واٹس ایپ پہ ایسا میسیج آیا تھا کہ مطلب ابھی جو ہے نا دنیاوی تعلیم مراد لے کے بتا رہے تھے کہ ابھی مساجد بہت ہو گئے, ابھی جو ہے نا انسٹیٹیوٹس بنائیے جو ہے نا, جب بھی کامیاب اگر چاہتے ہیں تو بالکل ایسا پھیلا رہے تھے شیخ. تو اب اس کے متعلق عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے شیخ؟ دیکھیے انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, مساجد اور معارض بہت ہو چکے ہیں,
सबसे पहले ऐसा बोलना तो मतलब यानी गलत बात है, सबसे पहले ऐसा बोलना तो गलत बात है, क्योंकि मदारिस और मसाजिद जितनी ज़्यादा आबाद होंगी उतना ज़्यादा खैर पहुँचेगा, उतना ज़्यादा लोग हक़ के करीब आएंगे और उतना ज़्यादा दीन की खिदमत आपसी मुमकिन हो सकती है। जो काम देखिए मदारिस और मसाजिद के ज़रिए हो सकता है दीन की खिदमत का और शरीयत का, वो काम आप दिगर इंस्टीट्यूट वगैरह से बिल्कुल भी अंजाम नहीं दे सकते हो। मदरसे का क़याम और मस्जिद का क़याम मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ से दीन का झंडा गाड़ा जाता है और दीन को पहुँचाया जाता है, और यहीं से मतलब यानी दीन और इल्म के सिपाही पैदा होते हैं, दीन और इल्म के सिपाही पैदा होते हैं। अगर आप मतलब यानी इसको अगर कम कर दोगे तो मतलब ये होगा कि इल्म के सिपाही भी जो है कम होते जाएंगे, और धीरे धीरे मतलब यानी इंस्टीट्यूट मतलब यानी फ़ायदे से खाली नहीं है, इंस्टीट्यूट वगैरह कायम करना फ़ायदे से खाली नहीं है, लेकिन जो एक जो मतलब यानी उसूल है कि मतलब यानी तलबा जहाँ पर एक पाबंदी के साथ और तलबा जहाँ पर एक मुकम्मल उसूल और ज़वाबित के साथ जो जो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं ना, वो मदारिस की ज़िंदगी बहुत नुमाया ज़िंदगी होती है, बहुत उम्दा ज़िंदगी होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशक्क़तें होती हैं, बहुत ज़्यादा तकालीफ को झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ता है, अपनों से दूरी होती है, खाने की लज्जत आपको उम्दा और लजीज खाने से आपको महरूमी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब यानी मदारिस में लजीज खाना नहीं मिलता है, बहुत मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल के नहीं, लेकिन एक अमूमी तौर पर जो घर में बनता है, जो बच्चा अमूमन होटल्स वगैरह में खाता है, वो चीज़ उसको वहाँ पर नसीब नहीं होती है। तो मदारिस में उसूल और ज़वाबित के पेश नज़र एक तालिबे इल्म के अंदर एक अलग ज़िंदगी का रुख पैदा होता है, एक अलग ज़िंदगी की जस्तजू होती है, एक अलग मेहनत उसके अंदर होती है, एक अलग लगन उसके अंदर होती है। अगर आप मदारिस को कम कर दोगे, मसाजिद का क़याम अगर आप हटा दोगे और मदारिस को आप आबाद नहीं करोगे, तो मतलब यानी ये इल्म के सिपाही फिर हम कहाँ से पैदा कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं आप हमारी बात को? आप जी शेख, जी शेख, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह। जी शेख, आप आयत अभी जिक्र की है, यरफील यरफाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम अल्लज़ीना उतीनु दरजात, सूरह जी शेख मुजादला उस नंबर 11 है वो, जी सूरह जी मुजादला आयत नंबर 11 मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स में, देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ آپ کا ٹاپک کیا ہے شیخ؟ یعنی کہ کس موضوع پر آپ جو ہے درس دے رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ یہ اب جو ٹاپک ہم نے لیا وہ تو یہ تمہید ہے، مقدمہ، یہ تو اسلامی تعلیم کے بارے میں ہے، یہ اسلامی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں، اور جو سلیبس ہے آپ لوگوں کا جو مجھے پڑھانی ہے آپ لوگوں کی کتابیں، اس میں ایک آسان نحو ہے، سیرت ہے، تمرین الصرف ہے اور معلم الانشاء ہے۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ ہم نے آپ سے شروع میں بیان کیا کہ جب تک آپ کے پاس علم کی اہمیت نہیں ہوگی اور اس کی معرفت اور جانکاری نہیں ہوگی تو آپ ان مادوں کی اہمیت بھی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ حالات کے پیش نظر اور کچھ آپ کے پاس علم کی اہمیت آپ کے سینے میں آ جائے تو یہ ہفتہ ہم انشاءاللہ اسلام کی تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مقام اور اس کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہی پر اکتفا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کسی کا سوال نہیں ہوگا، ابھی سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ الحمدللہ۔ एक शेख है क्या, एक सवाल लेडीज का शेख, गालिबन चैट में आया है, सुदूर के मायने क्या है? माने क्या है? सुदूर सीने को कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, सुदूर सीना, सीनो क्या रहता है, सदरुन की जमा है, मैंने शुरू में जिक्र किया था इसका, सुदूर सुदूर सदरुन की जमा है सीना, यानी कि जो इल्म आपके दिल में और आपके सीने में महफूज होता है उसको कहते हैं सुदूर। जी जी और कोई सवाल? चलो ब्रेक लेते हैं शेख। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।